ईडी ने गिरफ्तार किया है। लंबे समय से वो जांच की प्रक्रिया चला रहे थे। ऐसे और कोई अधिकारी होंगे संभव है, और लोगों पर भी कोई जांच कर रहा होगा, मगर ईडी की एक सीमा है कि जिसके बारे में कहीं कोई एफआईआर है उस एफआईआर के आधार पर ही जांच कर सकते हैं। बाकी सब काम तो हमारे एसीबी को करना चाहिए, मगर राज्य में एसीबी जितनी लचर है, जितनी सुस्त बना दी गई है कि एक तो जांच नहीं करते हैं, छोटे मोटे अफसरों पर जांच करके अपने खराब पूर्ति करते हैं, और जांच कर लेते हैं, जांच की रिपोर्ट आ जाती है तो कार्रवाई शिथिल हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैंने खुद ही दो तीन ऐसे मामले रखे हैं, मुझे पक्की जानकारी है कि एसीबी ने जांच पूरा कर लिया। अब उसमें एसीबी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वहाँ से हिला वाला होता है कि सरकार से होता है, कभी उस पर कार्रवाई नहीं होती है, कभी भेज दिया जाता है फिर महाधिवक्ता के पास, कभी अगर कार्रवाई के लिए हस्ताक्षर भी होगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं राजनीतिक मोल भाव तो नहीं होने लगता है, इसमें मुझे आशंका हो रही है। क्या लग रहा है जो कई बीरेंद्र राम अभी भी हैं झारखंड में ऑफिस? देखिए बीरेंद्र राम कई हैं, मगर ऐसे बीरेंद्र राम को खाद पानी कहाँ से मिलता है? राजनीतिक नेतृत्व से ही मिलता है। इसलिए अगर पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी है, सरकार है, मंत्री हैं, ये सजग सचेत हो जाए तो शायद वीरेंद्र राम होने में कमी हो, संख्या में कमी हो। इसलिए मैं तो दोष हमेशा इसी को देता हूँ जी कि साहब एसीबी ने जांच किया, क्यों रोक दिया? जिस विभाग में हैं, लंबे समय से पोस्टेड हैं, वहाँ ठेका में कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है? विनोद जी बता रहे थे कि ये लोग टेंडर फाइनल कर देते हैं, टेंडर प्रकाशित हो जाता है, फाइनल हो जाता है, वर्क ऑर्डर देने में 4 महीने 5 महीने लगता है, क्यों ऐसा लगता है? ये काम तो सरकार को देखना है, सरकार के अधिकारी नहीं सचेत होंगे तो इस तरह के अधिकारियों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब इनकी संख्या बढ़ती है तभी आम जनता में एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि शायद सब राजनीति के भी मिले हुए हैं। और